वहीं ग्वालियर में कांग्रेस नेता और यादव महासभा के अध्यक्ष रूपेश यादव को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता रूपेश सिंह यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा है कि जब वो शाम को कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो उन्हें ऑफिस के गेट पर एक धमकी भरा लेटर मिला। इस लेटर में अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर ऑफिस और उसके आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता को जान से मारने की धमकी मिली है, लेटर में जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसके साथ ही वहां पर सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश भी की जा रही है। तो ये लेटर बरामद हुआ है जब वो ऑफिस पहुंचते हैं और उस लेटर में लिखा होता है उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं उनकी फुटेज को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मामला ये है कि कल रूपेश यादव निवासी मेहरा गांव के रहने वाले हैं, उनका ऑफिस है ईओडब्ल्यू ऑफिस के बगल में सचिन तेंदुलकर मार्ग पर। तो वो थाने पर आए तो उन्होंने ये रिपोर्ट की कि मेरे ऑफिस में कोई व्यक्ति जान से मारने की धमकी दे करके और खून से लिखे हुए पत्र डाल गया है, तो इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में है। कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, आसपास में विवेचना ये हम देख कैमरों को चेक करके और आसपास के रूट को देख करके हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो व्यक्ति पकड़ा जाए जिसने इस तरह के जो पत्र हैं वो धमकी भरे पत्र लिखे हैं।